मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में अब मुस्लिम लीग पार्टी के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुमरा में सानिया हॉल में मेंबरशिप प्रोग्राम का आयोजन मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और मुमरा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्लिम लीग पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। वहीं मुस्लिम लीग पार्टी की नेत्री फरहत शेख का कहना है कि मुमरा में अब की बार चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि शहर में बदलाव जरूरी है। इस कार्यक्रम के बाद फरहत शेख ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। पार्टी की तरफ से आज शुरू किया गया है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग यहाँ पर इतने वक्त आप लोगों ने अपने अपना वक्त दिया और आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे काम को देखते हुए पार्टी ने हमें मौका दिया है कि सबसे पहला जो है इनॉग्रेशन फंक्शन जो है वो मुमरा शहर में हो। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं हमारे डिग्निटरीज़ का कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों के प्रोग्राम को आगाज़ किया। अब इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत तो जारी रखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना काम जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि जितना टारगेट दिया गया उतना पहुंच पाए। लेकिन इंशाल्लाह इस बार मुस्लिम लीग के मेंबर यहां से बनेंगे और मैं दावा करती हूं इस बात का कि यहां पर जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास भी उतने मेंबर नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मेंबर साजी भी कभी काम नहीं किया है। मेंबर साजी भी अभी मुस्लिम लीग काम करेगी और इंशाल्लाह प्योर जेन्युइन मेंबर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह।